मसूरी माल रोड पर महीनों से चल रहे निर्माण कार्य को अभी तक पूरा नहीं किए जाने से मसूरी घूमने आ रहे पर्यटकों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं माल रोड के फुटपाथ खोदे जाने से व्यापारियों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। मसूरी माल रोड के सुधारीकरण के दौरान सड़क किनारे खोदे गए फुटपाथ से जहां व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, वहीं पर्यटकों को भी आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पर्यटन नगरी की छवि धूमिल हो रही है। वहीं सहारनपुर से मसूरी घूमने आई पर्यटक ने बताया कि वो पहले भी कई बार मसूरी आ चुकी है, लेकिन मसूरी माल रोड का इतना बुरा हाल कभी नहीं देखा। के लिए आए थे बट यहाँ आकर बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ हो गए हैं, क्योंकि इतना बुरा हाल मसूरी का कभी भी नहीं देखा। और मैं तो उन टूरिस्ट में से हूँ जो साल में 10 बार आती है मसूरी, बट ऐसे मैंने मसूरी कभी नहीं देखा, तो डिसगस्टेड। पार्किंग इश्यूज भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आप कहीं पे और पार्क करके आए, वहाँ से कॉल आ रहा है आप अपनी कार उठा लीजिए, मतलब इतनी ज्यादा। यहाँ तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पे इतना टूरिस्ट आता है। तो यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इसको ठीक करें। दुकानों के आगे खोदे गए फुटपाथ के कारण व्यापारियों को हो रहे नुकसान के बारे में मसूरी व्यापारी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि लोक निर्माण विभाग माल रोड के सुधारीकरण का कार्य कर रहा है, लेकिन तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी अब तक काम पूरा नहीं कर पाया है, जिससे माल रोड पर चलने से जहां पर्यटक चोटिल हो रहे हैं, वहीं बारिश होने के बाद जलभराव की स्थिति पैदा हो रही है। व्यापार मंडल अध्यक्ष ने बताया कि इस मुद्दे पर कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन विभागों में तालमेल की कमी के कारण काम पूरा नहीं हो पा रहा है। उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की एक संयुक्त कार्रवाई से मसूरी के मॉल रोड का सौंदर्यकरण चल रहा था। ये बहुत ही दुखद बात है, खेत की घटना है कि 31 मार्च की जो डेडलाइन थी वो 30 जून तक भी पूरी नहीं हो पाई है। खासकर मसूरी जो पर्यटक की रानी है, उत्तराखंड जो पर्यटन प्रदेश है, इस सब संदर्भ में आज जो मसूरी पर्यटक आ रहे हैं वो निराश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं। समस्त रोडें टूटी हुई हैं, आज भी ग्रीन चौक तोड़ दिया गया, रातों रात खोद दिया गया, दुकानों के आगे के सारे चबूतरे तोड़ दिए गए, नालियां तोड़ दी गई, कहीं सीवर बह रहा है, कहीं पानी ओवरफ्लो कर रहा है, बारिश होती है तो पानी का जल भराव हो जाता है। बहुत ही दुखद बात है और हम इसके लिए कई बार धरने दे चुके हैं, प्रशासकों से सचेत कर चुके हैं, अधिकारियों से मिल चुके हैं, पर आपसी तालमेल की कमी कारण ये कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।